मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सर में कपड़ा बांधा हुआ है। कपड़ा खैर मैं रोज़ ही बांधती हूँ झाड़ू मारते वक्त, जब भी झाड़ू मारती हूँ, झाड़ू पोछा करते हैं तो कपड़ा बांधती हूँ, क्योंकि जो झाड़ू की धूल होती है वो सारे बालों में बैठ जाती है और बाल गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन आज हमारी जो है यहाँ पर घर की पूरी सफाई हो रही है, तो रिया रानी कर रही है यहाँ पे मेरे साथ सफाई, मेरे साथ के इस कमरे को पूरा उसी ने साफ़ किया। ये सारी अलमारी वगैरह सारी साफ़ कर दी हैं, इधर से सब धूल वूल निकाल दी, बाकी तो कुछ नहीं था, धूल ही थी। रिया इसको भी कर दे, हाँ जरा अखबार बिछा दे वहाँ पे नया, और ये अटे जूटे जी नीचे रख के वहाँ पे भी साफ़ कर दे, ठीक है। और रिया ने भी एकदम कपड़ा वपड़ा बांध के बनी हुई है, क्या गुंडा राज, पुष्पराज के बनी हुई। अच्छा, सफाई कर्मचारी बनी हुई, बल गुंडराज भी नहीं है और पुष्पराज भी नहीं है, सफाई कर्मचारी बनी हुई है रिया। और इस कमरे की भी होनी है अभी सफाई, यहाँ पे भी केवल हमने स्लिप साफ करनी है, बाकी सब ठीक ठाक है। और ये रिया रानी का ऊपर का पंखा भी चलता है और ये नीचे का पंखा भी चलता है यहाँ पे। तो रिया रानी ने अलमारी कर दिया साफ और उसके ऊपर उसने बिछा दिया अखबार। इसको ना आधा इधर खिसका दे, कह रही हो आधा ही ना, कह रही है अखबार थे धोना। तो रिया रानी ने अभी अलमारी के ऊपर भी अखबार वगैरह बिछा के और जो अटे जी के कपड़े थे वो झाड़ झूड़ के दोबारा बिछा दिए, साफ़ कर दिए हैं और अब इधर से ला रही है। तीन चीन दुई ली गए तुम? तो ये आम के पेड़ ला रखे थे, अब एक तेजस तू ले जा, तीन आम के पेड़ हैं जिनको हम गांव में लगाएंगे। तो दोस्तों आप हो गई है हमारी तैयारी गाँव जाने की, खाना वाना हमने खा लिया है दिन का, अभी डेढ़ बज गए हैं और अब हम गांव जा रहे हैं। कुछ आम के पेड़ ला रखे हैं तो उन पेड़ों को लगा के आएंगे, और कोई आने वाला है मंदिर में तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। तो चलते हैं फिर। तेजस आ गया आम के पेड़ रखे, और मार्केट जो है इस समय बिल्कुल सुनसान हो रखा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क गाँव का घोर है अंजन। अभी पहुंच गए हम मंदिर में, जय माता दी। उठ गयो वाह, प्रणाम, नमस्कार, सिया छा। तो गोली ने खोल दिया है गेट मंदिर का, पूरा खोल दे। सबसे पहले माता रानी के दर्शन करते हैं। जय माता दी, जय हो माता रानी, तेरी सदा जय जयकार हो। सब लोग भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, चौहान जी और बेटा भी। अब बहन जी नहीं आई क्या? आ गई। अच्छा अच्छा, बैठे आप लोग, बैठिए। गोले पानून पिला जा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। और बहन जी भी पहुंच गई हैं आराम आराम से, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते परेशान हो गए, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुँह चा रखी है। अरे ये फोन गिर गया। ये लीजिए बैठे बैठे ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई साहब लोगों को माता रानी में चुन्नी चढ़ानी थी और गुरु पूर्णिमा में भी नहीं आ पाए थे, तो गुरु जी के लिए भी लाए हैं वो कुछ धोती वगैरह, शॉल वगैरह, पता नहीं क्या क्या चढ़ाई है आप लोग। तो सर जी करवाएंगे अब इनकी पूजा। अच्छा, तो गोली क्या करो छावे वे दिन बटाई बंडे दिन बटे, तो ये खिंचाया हम भी नहीं आया, 10-15 दिन होगी वाला, हम तो हैं ज़्यादा वेगिन दुकान घर दुकान तो दो ही दिन ही है। हाँ, रोज आना चाहे तेर कपाल तेर लौकी कहाँ से लाया, कैक दी ना ना बाजार से। अच्छा, ये नाशपाती, नाशपाती नीचे से, नीचे से और मार खाने वेलती नोंग ना ना वो बिछा दो बड़ा। हाँ, नाशपाती खड़ो बिता गए जब वो सब रही नहीं थी वो। हाँ, लास्ट तो अच्छा कैन खानो गुणी बांदर हो बिचाम ओ गुणी बांदर अच्छा नाशपाती लेना कुछ नहीं चाहते दगड़ा दादा। अच्छा दादा तो त्यार। अच्छा चल ठीक है। अब छह छह पीला छह जी
बस सी मिले तुम दे डालम तो गोली ले आया दो पेड़ आम के अधिकार है देखो अलग अलग करके सिन पकड़ी कंसे उन्नो तो नहीं होन ठीक छे हाँ वो इतने नालका के निकलने जा तो चलते हैं अब खेत में देखते हैं कहाँ पे लगाना है आम के पेड़ वैसे तो सर जी बताई हैं लेकिन फिर भी हम जगह जगह ढूंढ ढांड के रखते हैं कि कहाँ पे लगाएं वैसे भी मुझे केवल 2 घंटे का टाइम मिला हुआ है बब्बा क्या हुई हूँ एक लिमड़ा क्या बोल देना लिमझाण हुई सर रे हैं जम तो कुछ है नहीं अरे ये ही मर्चा का गे ना यू तेर गुड़ इंची ने इन गुड़ दी खैड़ी क्रियो पड़ो क्योंकि मर्चा दिखे नहीं नहीं सु मार खान दे मार थल एक खैड़ने पड़ो तेर देख ली 15-20 दिन खैड़ जन का तंचे गोड़ तो वेल तीन तो इस बार ही जो है खेत में कुछ नहीं हो रहा है बस ये देखिए ये हो रखा है गेंदे का पेड़ बड़ा सा और ये 2 बैगन हो रखे हैं यहाँ पे ये खीरे का था ये भी ऐसी है और बस केवल एक खीरा लगा था इसमें एक हमले मतलब एक हमने खाया और एक बंदर ने खा लिया 2 खीरे लगे थे उसके अलावा कुछ नहीं लगा और ये भिंडी तो हैं जमी हुई लग तो रही है भिंडी के आसार की थोड़ा हो जाएंगी ये देखिए ये हैं भिंडी के पेड़ ये दोबारा बरसाती भिंडी बोई हैं और ये जो ये मिर्च लगाई थी यहाँ पे तो ये बड़ी बड़ी हो रही हैं लेकिन पेड़ बड़े तो हो गए हैं लेकिन जो है एकदम फैले नहीं हैं और घास ही घास हो रखा है बाप रे तो मन तो कुछ घास उसने उपाड़ रही ना आई ये मुंगरा को खा गया ही खाया नहीं चियो लड़िया चियो लट गया ये तोड़े ये देखित का गी नहीं एक में चिये अरे तो ये कुछ चीज खानो चे बेकुपियां थी इन थोड़ो दिन ये देख दिया ठूंगा ही ठूंगा कब बड़ी चीज है 4 डाल अभी नहीं चीज हाँ तुम कुछ नहीं करना छो रेख देखना नहीं छो तुम ढंग से अब से डाल लगाने ना मगा कुछ आता हो भी कम लगानी तो ताऊ जी बता लगा कम लगानी ये देख बैंगन भी खा गया यार ये देख बैंगन खाई हो तो सर जी भी आ गए हैं अब खेत में पूछते हैं कहाँ कहाँ पे लगाने हैं कहाँ लगाएंगे सर जी पिछले लगा दूला पिछले लगा कहाँ लगाना है इस बाड़ के पीछे लगा दिया हमने हाँ ये हम लगा दे सकम अरे को हम लगा तीन होगी कुछ नहीं होने पता नहीं क्या खानो चीज या कुछ सब खाई हाँ नहीं तो होनो ये तो कब अगला गई चिन स्टार्टिंग में ही लगी छे मतलब झकझका नहीं हो यहाँ डाला जब जब हाँ यो तो एक दुई दा गुड़े होने पर और नहीं गुड़े ना ये कह दा वहाँ गुड़े आचे ना और बस कदू लग रही है नहीं तो जाड़ी नहीं होनी सर्जी हुई हाँ जाड़ती है नहीं होना अगले अगले फैल नो रहे हैं मैंने जन फैल हो ना इसने उड़े खाए लूँ तो जाने हाँ कदू डाल अच्छा तो छह जी तो अब इस क्यार की गुड़ाई मैंने कर दी है ये भिंडी है जो अब मेरे में इतना ही टाइम था अब मैं जा रही हूँ क्योंकि हमें जाना है सर जी को दुकान भी जाना है और पसीना ही पसीना हो गया है बुरी तरह से बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है हालांकि मौसम अभी थोड़ा ठीक है लेकिन फिर भी उमस तो है ही गर्मी तो हो ही रही है तो अगर हम यहाँ रहते तो मैं शाम को करती लेकिन अब हमें जाना है हाँ जन छः जन थोड़ा सी सड़े आ रही थी बंडी पुराना हाँ जो ताज़ा छिन हाँ आज के वाले डालना अभी पक्का नहीं छिन उनमें हिसाब से ना मिन तो बाल पक्के वाले ही बराम अभी नहीं पका अभी 10-15 दिन और लगनी नहीं होमा देखते हैं जरा हम ये गोली महाराज ये तो सब चरु छिन एक काम नहीं हो ये नहीं पका जाना भी सफेदी वाला आम छिन सब हाँ, ये उधर वाला मंदिर वाला
ये नहीं पका अभी, मैंने सोचा ये वाला पक गया होगा सफेद वाला। ना ना रण दे। चलो भैया मत तैयारी, ओके बाय बाय बोली। भाई भाई चले गए हमें, ठीक है। डारा ढंग से लगा दे, पानी डाल दे उनका, और भिंडी भी डाल दे जरा पानी लगी बूढ़ी जी। इन्हें हवाई मार से गोड़ दी दोबारा जन्मे भिंडी बूढ़ी, ठीक से बोल दादा। क्या चाहिए पानी? पानी आन ची। हाँ अब तो पानी सुंदर भी गया, दिखान छो मैं कम जरा। देखो और दा ना ना आंची ना बटे पाण आं सीधा पिसने बटे की पिसने बटे मंदिर पिसने बटे पुर जान छ है तो पुस्ता नी। हां हां वहां पिसने बटे आ रहन सर जी को मिल गया आम मीठा रो सर जी कोल छियो अमीन। आजकल आम निडरन की लडर लोग ना आजकल आम खाना खड़ो बुझो बुझो सब। आजकल गाड़ी खूब रुकने वाली कम। हाँ अरे अभी कुछ दिन बाद देखे अभी तो पका नहीं छिन्ना। अच्छा पकड़ बैठ लो जब पत्त पत्त गिर देना फिगी पर जरा गाम पड़ ना अभी पके आका छिन कच्चा छिन दो झड़ेगी सब झड़गी पर तब देखे तुम कन रहे नहीं ओ बांदर। हाँ एक बैठा नहीं दुई बैठा एक हमने दिखे ना उन कैमरा में दिखे ना। देखो पता नहीं कहाँ से आ गए यहाँ पे चार बंदर तो बढ़ दिन की धारो से बैग धारो था थैल धारो। और ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा चीड़ का पेड़ गिरा हुआ है। और ये क्या सर जी क्या बोल देने जगह खड़े सिडकुल। और ये सिडकुल का पुस्ता जो है बिल्कुल पुस्ते की जड़ तक जो है नीचे गिर गया है। कुछ टाइम बाद पुस्ते का भी बहुत ज़्यादा डर है वहाँ पे। और अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे चौहान जी के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए। पेट्रोल भी हमने भरवा लिया, चलते हैं हम सीधे घर। तो अभी पहुंच गए हम घर में और सर जी ने मुझे वहाँ 2 घंटे का टाइम दिया था कि 2 घंटे में जो कुछ करना है कर, लेकिन उसके बाद 1 ही घंटे का टाइम दिया और उसके बाद 3:30 तक हम यहाँ पे पहुंच गए अपने घर में। तो पेड़ वगैरह जो है गोली और उसके मामा अपने आप लगाएंगे, सर जी ने जगह बता दी है उन्हें। और हरेला का जो है तो हरेला का मतलब तो ये है कि आप हरियाली अपने पर्यावरण में कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, उनका संरक्षण कीजिए। तो हरेला कभी भी मनाया जा सकता है, हालांकि हरेला के दिन हमें पौधे मिले नहीं थे लगाने। तो पूरा सावन का महीना हरेला ही मनाने का है और अपनी जो धरती है उसको हरा भरा करने का है। बस इस समय यह है कि पेड़ पौधे लगाइए, उनका संरक्षण कीजिए और अपने चारों ओर अपने पर्यावरण में हरियाली को फैलाइए। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। और आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।